हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग एपिक इंस्पिरेशनल स्टोरी पर। फ्रेंड्स, हमें लोगों और परिस्थितियों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी प्रतिक्रिया के बगैर शक्तिहीन हैं। और सबसे खास बात, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी ये हमारे हाथ में है। आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने समय के साथ कुछ ऐसा किया कि जो लोग कभी उन्हें गलत साबित करने पर लगे हुए थे, वही लोग आज उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। राकेश जैन पुणे में अपने दो भाइयों के साथ पुस्तैनी ज्वेलरी की शॉप को संभालते थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। कुछ कमी थी जो उन्हें हमेशा महसूस होती थी। फिर एक दिन जब वो अपना घर बना रहे थे, तो घर पर पत्थर का काम करने आए एक ठेकेदार ने उन्हें ऐसे ही बोल दिया कि बाबूजी, ग्रेनाइट और पत्थर के काम में पुणे शहर में बड़ी डिमांड है और इसका भविष्य भी बहुत शानदार है। राकेश जैन के अशांत मन को शायद जवाब मिल गया था और अब उन्हें पता था कि कहां जाना है। अगले कुछ दिन तक मन में उधेड़बुन चलती रही और उन्होंने फिर से उस ठेकेदार से मिलने का मन बनाया और एक सवालों की लिस्ट लेकर पहुंच गए उनसे मिलने। वो कोई 2004 का दौर था, जब राकेश जैन ने 5000 स्क्वायर फीट एरिया में मार्बल, ग्रेनाइट और स्टोन्स का काम शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई ग्राम में काम करने वाले के पर स्क्वायर फीट में जाने की। ये किस्सा भी बड़ा शानदार है, जिसे राकेश जैन आज तक नहीं भूले हैं। वो बड़े ही गर्व से बताते हैं कि अपने पहले ऑर्डर का कैलकुलेशन उन्होंने अपनी बगल वाली दुकान के मालिक से निकलवाया था। समय के बहाव के साथ राकेश जैन अपने दोनों भाइयों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में ले आए तो लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। अब बातें भला छुपती कहां है, एक बात फैलते हुए राकेश जी तक पहुंची जो कि उनके किसी खास किसी प्रिय ने कही थी कि खुद तो कमा के खाना नहीं, भाइयों को भी जमे जमाए बिजनेस से निकाल लाए। राकेश जी ने फैसला किया कि वक्त ही इसका जवाब देगा और ईमानदारी से अपने रास्ते पर बढ़ गए। दोस्तों, अगर इरादा नेक हो और हौसले बुलंद, तो भगवान खुद सारथी बनकर आपको रास्ता दिखाते हैं। राकेश जैन जी को भी एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और उन्हें उनका सारथी मिल गया। हुआ यूं कि एक बिल्डर उनसे मिलने आए, उनके एक प्रोजेक्ट में पत्थर का काम होना था, पर मजबूरी ये थी कि उन्हें पूरा पत्थर अगले दिन सुबह चाहिए था। राकेश जैन जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और हाँ कह दी और अपने स्टाफ और भाइयों के साथ मिलकर रात भर पत्थर को काटा और सुबह सुबह साइट पर पहुंचा दिया। उस दिन सूर्य उगा जरूर था, पर राकेश जैन और श्री चामुंडा स्टोन्स के लिए 18 साल पहले 5000 स्क्वायर फीट एरिया से शुरू हुआ सफर आज पुणे शहर में 6 शोरूम और 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बदल चुका है। जब 120 परिवारों का चूल्हा जलता है तो राकेश जैन जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आज पुणे में श्री चामुंडा स्टोन्स बिल्डिंग मटेरियल खरीदने वालों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गया है, जहां से वो लोग अपने सपनों के घर के लिए हर डेकोरेटिव प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और राकेश जैन हम सब के लिए प्रेरणा, आज भी वो लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि तुमने सही वक्त पर खुद को और अपने भाइयों को सही दिशा दी और हम आज भी वही के वही हैं। और राकेश जैन सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। राकेश जैन जी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार को देते हैं, जो हर पल उनके साथ खड़े रहे। वो बताते हैं कि उन्होंने क्वालिटी और कमिटमेंट को अपना हथियार बनाया और ईमानदारी से मेहनत करते रहे। दोस्तों, आज हम जहां भी हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, हो सकता है लोग और परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हों, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया के बिना वो दोनों ही शक्तिहीन हैं और प्रतिक्रिया देना हमारे हाथ में है।
तो सही रास्ता चुनें और संयम रखें। सफलता का इस दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसे कमाना पड़ता है सच्ची लगन और निरंतर प्रयासों से। तो आज के इस ब्लॉग में हम सब के लिए एक मैसेज है, मैंने अपना मैसेज लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको भी आपका मैसेज मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, एक नए ब्लॉग एक नई कहानी के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।